नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सुनील नंदी। आज हम बात करेंगे 3 ईयर्स LLB 5 ईयर्स LLB का डिफरेंस के बारे में। 3 ईयर्स LLB 5 ईयर्स LLB में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसा रहता है, कितना सेम रहता है और इस दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम इस वीडियो में वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर आप भी LLB करना चाहते हो तो आपका मन में भी क्वेश्चन आया होगा, 3 ईयर LLB बेटर है क्या 5 ईयर LLB बेटर है। ऐसा देखा जाए तो दोनों ही बेटर है, क्योंकि वो आप पर निर्भर करता है, आप जब डिसीजन लेते हो सेकंड PUC होने के बाद या डिग्री कंप्लीट होने के बाद। पहला हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन बारे में। अगर आप 3 ईयर LLB करना चाहते हो तो आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री में आपका परसेंटेज यानी मार्क्स 50% होना चाहिए। अगर आप किसी एक रिजर्व कास्ट में है तो 45% इज इनफ होता है। वही अगर आप 5 ईयर LLB करना चाहते हो तो आपका 12th पास होना चाहिए और आपका परसेंटेज 50% होना चाहिए। अगर आप किसी एक रिजर्व कास्ट में होते हो तो आपको 45 मार्क्स होना चाहिए। वही आपका 12th पास होने के बाद आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB में BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BB LLB, BSW LLB, BLS LLB, BTech LLB ले सकते हो। वही हम सिलेबस के बारे में बात किए तो 3 ईयर LLB पे ओनली फोकस ऑन लॉ सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप ऑलरेडी डिग्री कंप्लीट करके आया होता है, इसलिए यहाँ पे ओनली लॉ सब्जेक्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल CPC सिविल प्रोसीजर कोड, IPC इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वही अब 5 ईयर LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में देखा जाए तो फोकस ऑन लॉ सब्जेक्ट विथ डिग्री सब्जेक्ट, यानी लॉ सब्जेक्ट के साथ साथ आपका डिग्री सब्जेक्ट आप स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप BA LLB किए हैं तो आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप BCom किए हैं तो अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट, आपका लॉ सिलेबस के साथ साथ आप डिग्री सिलेबस भी स्टडी करना पड़ता है। अगर हम सेम के बारे में बात किए हैं तो 3 ईयर LLB 6 सेम होता है, यानी हर ईयर में 2 सेम, कुल मिला के 3 ईयर में 6 सेम होता है। वैसा ही 5 ईयर LLB इंटीग्रेट कोर्स में देखा जाए तो 5 ईयर में 10 सेम आता है, हर एक ईयर में 2 सेम पकड़े गए तो 10 सेम आता है। अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात किए तो 3 ईयर LLB कंप्लीट करने के लिए आप पहले ही डिग्री कंप्लीट करके आए हो, इसलिए आपका LLB 3 ईयर में ही कंप्लीट होता है। पर वही 5 ईयर LLB पे आप PU होने के बाद डिग्री 3 ईयर, इसके साथ LLB 3 ईयर, कुल मिला के 6 ईयर लगता है। वही आपको 5 ईयर LLB इंटीग्रेटेड कोर्स में 5 साल में कंप्लीट करके देता है। अगर ऐसा देखा जाए तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB आपका 1 वर्ष बचाता है। अगर आप 3 ईयर LLB पे ड्रॉप आउट करती है तो, यानी मान लो आप LLB करने के बाद मन चेंज हो गए तो आप ड्रॉप आउट किए तो आप पहले ही डिग्री कंप्लीट किया था, इसलिए आपके पास डिग्री तो रहता है अगर LLB कंप्लीट नहीं किए तो। फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB पे आप इन बिटवीन ड्रॉप आउट किए तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं होते और एक बात, आपका डिग्री भी कंप्लीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 12th पास होने के बाद बच्चे इतना मेच्योर नहीं होते, खुद डिसीजन नहीं ले पाते, सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन सा फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कौन सा फील्ड में लाइफ है, वो सब कुछ इतना नहीं जानते। इसलिए मेरा मानना है पहले आप एक डिग्री करो, डिग्री खत्म होने तक आप मेच्योर भी होते हो, साथ ही साथ आप सोसाइटी के बारे में ज़्यादा जानते हो, तब आप 3 ईयर LLB ले सकते हो। क्योंकि आप LLB स्टडी करने के टाइम पे सोसाइटी पे क्या चल रहा है, हमारा सिलेबस में क्या है, दोनों कंपेयर करके सीखना पड़ता है। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।